टॉप 5 बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 8000। तो भाई अगर आपका बजट 8000 है, 8000 के बजट रेंज में आप एक हार्ड कोर गेमिंग करना चाहते हो, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं। तो बात कर लेते हैं सीधा नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M02 को। तो यार सबसे पहले इस प्राइस रेंज में मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए होता है। अगर आप भी उनमें से आते हो तो भाई आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी M02। ठीक है, अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी, अगर आपके हाथ से फोन गिर भी जाता तो ये खराब नहीं होने वाला, टूटने नहीं वाला, आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज कर सकते हो। तो सैमसंग के फोन्स की खासियत की बात करूं, आपको जो बैटरी लाइफ है इस प्राइस रेंज में बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, बात कर लेते सीधा मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूं, इसमें आपको 6.5 इंच की PLS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं, 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आपको कोर कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करो, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करो, आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी की बात करो, 5 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी। स्टोरेज की बात करूँ, ये 2 वेड में देखने को मिलता है, 2GB RAM के साथ एंड 3GB RAM के साथ, प्लस आपको 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करो, 7200 के बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी M02 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M02 के। तो यार अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर फोर की बात करूँ, नंबर 4 पर यार मैंने रखा है Redmi 9A को। तो यार अगर आप Redmi लवर हो आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट हो सकता है, अगर आपका बजट 8000 है। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपको स्मार्टफोन में क्या देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले की बात करूँ, 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, MediaTek Helio G25 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 2GB RAM मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 10W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को 30 मेगापिक्सल के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बातों को 5 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 7000 से लेकर 8000 के बजट रेंज में Redmi 9A देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi 9A के। अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो भाई आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो, इसके कलर वगैरह भी प्यारे देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आप Redmi लवर हो आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Realme C11 को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कलर डिज़ाइन वगैरह मैटर करते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ होने वाली है Realme C11, बिकॉज इसके कलर हो गए, इसका डिज़ाइन हो गया सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। अगर आपको डिज़ाइन कलर वगैरह मैटर करते हैं आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme C11। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, इसके स्पेसिफिकेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हार्डकोर गेमिंग भी करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, अभी ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 6.5 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बातों को MediaTek Helio G35 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है आप नॉर्मली इजीली जो है वो कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। बैटरी की बातों को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस आपको 10W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको डुअल कैमरा मिल जाता है 30 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ। सेल्फी की बात करूं, आपको 5 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 वर्ड में देखने को मिलेगा, 2GB स्टोरेज के साथ एंड 3GB स्टोरेज के साथ, ठीक है, रैम के साथ सॉरी, प्लस आपको 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, आपको 7500 के बजट से लेकर 8200 के प्राइस रेंज तक भी पहुंच सकता है Realme C11। तो आप देख लेना, अगर आपके बजट में सेट बैठता है आप जा सकते हो Realme C11 की ओर। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme C11 के। तो भाई अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कलर डिज़ाइन लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा सही है स्मार्टफोन, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। आपको 60 रिफ्रेश के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसके साथ आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर, अगर आप हार्डकोर गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। इसका कैमरा वगैरह भी आपको सही मिल जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपके बजट रेंज में सेट बैठता आप इसके और जा सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, सभी के दिए हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर यार मैंने रखा है Poco C3 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले इसका भी डिजाइन लुक वगैरह आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड। प्रोसेसर की बात करूं, इसमें आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली इसमें भी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। स्टोरेज की बातों को 3GB RAM मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 30 मेगापिक्सल प्लस
टू मेगा पिक्सल प्लस टू मेगा पिक्सल सेल्फी की बात होगी, फाइव मेगा पिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ इसका बजट यार आपको 7500 के बजट से लेकर आपको ये 8200 के बजट रेंज में पोको C3 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया पोको C3 की। अगर आप इस स्मार्टफोन की ओर जाना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली जा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाला। अगर आपने हार्डकोर गेमिंग भी करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अब ये आगे बात कर लेते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नंबर वन पर है तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है या ऐसे है या वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो मैंने आपको पहले फ़ोन बताया वो भी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा सही है। मैंने ये नंबर वाइज ऐसे नहीं रखा कि नंबर वन पर है तो बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला है, नंबर पर है तो वैसे ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी आपको सही लगता है जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ इसमें आपको 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ इसमें आपको MediaTek Helio A25 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूँ इसमें आपको 3GB रैम मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 30 मेगापिक्सल के साथ। सेल्फी की बात करूँ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ आपको 7000 से लेकर 8000 के बजट रेंज में इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के। तो यार मैं आपको इतनी चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 6000 है, 7000 है या 8000 है, इस प्राइस रेंज में आपको कैमरा तगड़ा नहीं देखने को मिलने वाला। एंड जो प्रोसेसर है वो भी आपको जो है वो एवरेज देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको IPS LCD वगैरह देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। एंड 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस बजट रेंज में। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख लेना, अगर मेरा बजट होता भी मैं जाता पोको C3 के और, या फिर अगर मेरा बजट होता 7 से 8 हज़ार बजट तो मैं जाता रियलमी C11 के और, बिकॉज ये दोनों स्मार्टफोन ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं, लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। अगर आप भी जाना चाहते हो लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों को भी कहना, चैनल को वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हो भेजा उसको चेकआउट कर लेना। यार अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आती होगी तो उसको इग्नोर कर देना, मेरी सेहत नहीं ठीक है तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ यार, थैंक यू।